बलिया में मारपीट में घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। नाराज परिजनों ने उसके शव को सिकंदरपुर नगर मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह पीड़ितों को न्याय का भरोसा दिलाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। वही मामले में एक आरोपी को जेल भी भेजा जा चुका है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला सिकंदरपुर का है। यह है कि मेरा भाई था, वो गया था रामपुर में खाना बनाने के लिए। कौन तारीख को गया था? 3 मई को। अच्छा। उधर से रात में 10 बजे के बाद खाना बनाकर आ रहा था। आरा मशीन के पास कुछ लड़के, 6 लड़के थे। उनका नाम गाड़ी के मर दिया है। और वो लोग गाड़ी पे से एक और लड़का था उसके साथ, वो भाग गया, छोटा था, और उसको इतना मारे कि मतलब उठ नहीं पाया वहाँ से। आपको कैसे पता चला कि 5-6 लड़के थे? वो जो छोटा लड़का था उसके साथ वो बताया। फिर उसके बाद जहाँ खाना बना रहा था उनके घर गया दौड़ते हुए और उनको खबर दिया कि मतलब वो हम मार रहे हैं। तो फिर वो गए उनके पास और वहाँ से उपचार के लेके गए सिकंदरपुर।